जय माता दी। आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर घर दुर्गा में। मैं हूँ ज्योति सोही। नवरात्र यानी माँ की आराधना का उत्सव। नौ देवियों के अलग अलग स्वरूप हैं, जिनका नौ दिन तक उपासना की जाती है। जी हाँ, माँ के इस उत्सव में असत्य पर सत्य की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। जी हाँ, नवरात्र के मौके पर हम करते हैं माँ की उपासना। तो आइए मिलकर करते हैं माँ की आराधना। अनीता जी, हमें माँ को लगने वाले भोग और प्रसाद के बारे में बताइए। माता रानी को तरह तरह के भोग पसंद भी हैं और भोग लगाए भी जाते हैं। जैसे कभी हम फल का भोग लगाते हैं, कभी हम मेवे का पांच मेवे का भी भोग बनाते हैं, कभी दूध से बने व्यंजन बनाते हैं। जो भी हमारा मन करे, माँ उसी से संतुष्ट हो जाती है और बड़े प्रेम से भोग लगा कर खाती हैं और हमारे पर कृपा बरसाती हैं। तो ये तो बात हुई भोग और प्रसाद की, तो चलिए रसोई घर में चलते हैं और अनीता जी से सीखते हैं आज क्या है भोग और प्रसाद में खास। नवरात्र यानी माँ की आराधना का उत्सव। नवरात्रों में माँ की आराधना और भक्ति के साथ साथ भोग और प्रसाद का भी खास महत्व है। जी हाँ, आज हमारे साथ अनीता जी मौजूद हैं। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू ज्योति जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज हम अपने भोग और प्रसाद में माँ को प्रसन्न करने के लिए आज कौन सा व्यंजन बनाएंगे। आज माँ को प्रसन्न करने के लिए हम दूध से बना हुआ कलाकंद बनाएंगे अपने हाथों से, जो बहुत ही स्वादिष्ट है और माता रानी को बहुत ही पसंद आएगा। तो कलाकंद आज हम बनाएंगे, आपको सिखाएंगे कैसे बनता है कलाकंद। आप इसको माँ को भोग लगा सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं कलाकंद। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे। शुरू कलाकंद बनाने के लिए हमने हाफ के जी पनीर लिया है, जो घर से बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है, ताकि माता रानी को शुद्ध और घर के बनी हुई चीज़ का ही भोग लगाया जाए। माता रानी को दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं, ऐसा माना जाता है। एक चम्मच घी, थोड़ा सा इलायची पाउडर और कंडेंस मिल्क हमने लिया है, जिससे कलाकंद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है माता रानी के। कढ़ाई गरम करनी हमने रख दी है गैस चलाकर। एक चम्मच उसमें घी, जैसे ही घी गरम हो जाए इसमें हम पनीर डालेंगे और साथ साथ चलाते रहेंगे। ये पनीर ग्रेट करके रखा हुआ है हमने। बस अब इसके साथ साथ हम कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे लगातार।
हल्का सा इलायची पाउडर खुशबू के लिए, अब आप देखेंगे कि पनीर और दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया। कलाकंद हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे, ठंडा होने पर 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कलाकंद अब ठंडा हो गया है, इसको 5 मिनट के लिए हम फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। पांच मिनट हो गए हैं, कलाकंद फ्रिज में रखकर सेट हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे और माता रानी को भोग लगाएंगे, फिर सब में भोग बांटा जाएगा। कलाकंद बनकर बिल्कुल तैयार है। अनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की रेसिपीज के लिए। तो मैम अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं माँ को, कभी सफेद तो कभी फलाहार। हाँ जी होते जी 9 दिन होते हैं, माता रानी को अलग अलग ही तरह के भोग बनाकर उनको खिलाए जाते हैं ताकि माता रानी खूब प्रसन्न हो और हम पर कृपा करे। तो फिलहाल आपको छोड़े चलते हैं भोग के साथ, इसे भोग आप लगवाइए उसके बाद खुद भी खाइए। फिलहाल अब वक्त हो चला है भजनों का, आज के लिए बस इतना ही। घर घर दुर्गा में आपको फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। जाने तू है दाती जग माने, मैं जो चाहूँ वो तू जाने, तू है दाती जग माने। तेरे दर पे चला आया, तेरे दर्शन को आया, तेरे दर पे चला आया, तेरे दर्शन।